अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक। आज देखो, मैंने वो जैसे वीलॉग बनाते हैं ना, वैसे अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, कोई ट्राईपोड वगैरह पे नहीं। और ये देखो, मतलब ट्राईपोड ही है, इसको गरीला ट्राईपोड बोलते हैं है तो ट्राईपोड। तो बस ये मौसम बड़ा अच्छा है आज। पहले धूप निकली थी, फिर बारिश हुई है, अब दोबारा धूप निकली है। तो बस ऐसा ही कोई एटमोसफेयर चल रहा है। तो मैंने कहा कि आपसे ज़रा गपशप करें। वो जो पोल हो रहा था, विराट कोहली और धोनी फाइनल में पहुंचे थे, तो कमेंट तो इतने लोगों ने किए भाई, धोनी 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 वही जीतेंगे। लेकिन एंड पे विराट कोहली के वोट ज़्यादा निकले हैं। अब आई डोंट नो, मैं तो चाह रहा था कि वैसे धोनी जीते, क्योंकि जो मैंने अपना लॉजिक दिया था कि आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं वो तो धोनी ने जीते हैं इंडिया के लिए। तो कोहली के खैर बायलैटरल सीरीज काफ़ी जीती हैं, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन आनी हो भाई, डेमोक्रेसी है भाई, जो लोगों की चॉइस है, जो उनको वोट ज़्यादा मिले हैं तो वो जीत गए। तो बट थोड़ा आई वॉज बिट सरप्राइज के मैंने दो वीडियो डाले, नहीं एक वीडियो डाला था इस टॉपिक पे, और नीचे जो कि 70-80% जो कमेंट्स थे वो धोनी को लेके थे। धोनी जीतेंगे, धोनी है हमारे हीरो, बस धोनी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो लेकिन लुक अट माय नीस, बहुत शरारती है ये, बहुत शरारती है। और वो देखिए नीचे, ये जो गाड़ी है ना, इस बंदे की बेचारे की चाबी अंदर रह गई है। आधा पौना घंटा पहले मैं आई ट्राई टू हेल्प देम, लेकिन अब वो उनकी चाबी जो है ना, वो कुछ जुगाड़ निकल नहीं रहा। अब देखो कि अगर कोई सीन निकलता है कि नहीं। और अभी तक वो इसी परेशानी में है बेचारे। बहरहाल जी, धोनी जीत, धोनी जो है वो लोगों के दिलों पे राज है, और कोहली जो है उन्होंने वोटिंग में जीते हैं। मैं दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ। कभी मैं इस तरफ खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ, लोग कहते हैं कभी वो, एक दफ़ा वर्ल्ड कप के बीच में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक इंडिया की शर्ट एक मिल रही थी यहाँ लोकल, वो मैंने पहनी थी। तो लोग कह रहे थे ये जंगल में छुप के कहीं पे शर्ट पहन के खड़े हुए आप, वो जंगल नहीं था, ये हमारा बैकग्राउंड है, ये काफ़ी अच्छा पीछे ग्रीन एरिया है, तो ये जगह थी वो। और बाकी बात आप T20 की करें, वो तो खैर आप जीत गए हैं आराम से ही, पहला आपका जो T20 था, दूसरा भी जीत जाएंगे, मज़ा आएगा अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बीच में। बहरहाल जी, मैं बीच में बात करना चाह रहा था कि जो 4 दिनों की जो कह रहे थे टेस्ट क्रिकेट, उसकी जो डिबेट चल रही है भाई, मैनू तो ये आइडिया बिल्कुल फजूल बकवास आइडिया लगा, बिल्कुल भी कोई 1% भी मैनू मज़ा नहीं आया सुन के। विराट कोहली ने भी इसको बोला कि नहीं, उन्होंने भी अपोज़ किया है। जो रूट का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये कोई फजूल सा ही आइडिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट जो कि एक ब्यूटीफुल फॉर्मेट है, और जो क्रिकेट लवर्स हैं वो हमेशा इसको एंजॉय करते हैं, और मेरे ख्याल में तो कुछ इतना कोई मज़े का आइडिया ये लगा नहीं है। मेरे ख्याल में जो टेस्ट क्रिकेट है उसको एज इट इज़ ही रहने देना चाहिए, और जो उसमें ठीक है, जैसे कि डे एंड नाइट एनोवेशन वगैरह हो रही है कि डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट करें, उसमें इंडिया में तो जो मैच हुआ था अभी बांग्लादेश के खिलाफ कलकत्ता में, उसमें तो बेतहाशा मतलब लोग आए हुए थे। तो दिस इज़ द वे, अगर आपने अट्रैक्शन मज़ीद दे के आनी है कि लोग आएँ स्टेडियम में देखने के लिए आएँ, तो ऐसे काम कर लें। अब मतलब पूरा एक दिन ही उड़ा दें, और ठीक है पर डे अगर 100 ओवर्स जो हैं वो किए जाएँ जी, ठीक है जी, 4 दिन का मैच है, 100 ओवर्स होंगे पर डे, तो ओवरऑल जो है फिर इसमें भी मतलब इसके बावजूद भी ओवर एक दिन में जो है 5 दिन का, वो 90 बहुत कम भी होते हैं, बहुत अक्सर ऐसे हमने देखा है कि जी 75 ओवर, 85 ओवर, 80 ओवर, इसके आसपास जो है ओवर्स हुए हैं बैड लाइट की वजह से, बारिश की वजह से, और मसले मसाइल उनकी वजह से जो वो नहीं हुआ। तो अगर ये टेस्ट क्रिकेट 4 रोज़ की होगी, इसका मतलब है कि दे आर मोर चांसेस कि ये ड्रा की तरफ जाए सिलसिला। तो जो ड्रॉ मैचेस होते हैं ना, वो कभी भी अट्रैक्शन जो है ऑडियंस की वो पुल नहीं करते, बहुत रेयर होता है कि कभी कभार कोई इतना कोई क्लोज मैच हो जाए कि कोई टीम हार रही हो बिल्कुल, और वो मैच बचा के चला जाए, हाँ उसमें तो ज़रा मज़ा आता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपके जो मैचेस हैं वो ड्रॉ होने लग जाएं, तो उसमें फिर जो लोगों की अट्रैक्शन है वो मज़ीद कम हो जाएगी। हाँ एक ये भी कहा जा सकता है कि जी अब क्रिकेट तेज़ हो गई है, अब जैसे कि ODIs में रन बनते थे पहले, पहले जी 225 250 बना लो थे, लेट 90s की गल है, तो तुसी समझते सी जी मैच जीत जावांगे। लेकिन अब वो वाली बात भी नहीं है, अब बंदा तो होंगे 325 हो जान, वो भी मतलब सेफ नहीं आके जी, ये भी चेज हो सकता कि नहीं हो सकता। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम T20 आया, जो अब क्रिकेट है वो ज़्यादा तेज़ हो गया, ख़ास तौर पे अगर हम
T20 की के बाद अभी ODIs की बात करें, टेस्ट में भी वो झलक नज़र आती है। अब जो 55 से 60 का जो स्ट्राइक रेट है उस पर तो ऑलमोस्ट जो बैट्समैन खेलते ही हैं, कुछ तो जो अग्रेसिव है उससे भी ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। हाँ देखो, स्ट्राइक रेट भी तेज़ हुआ, सारी बातें भी तेज़ हुई, इसकी वजह से ये हुआ कि रिजल्ट मोस्टली जो है वो विद इन 4 डेज या 5वें दिन के पहले सेशन के आसपास जाके आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अब अभी मेरे ख्याल में इस जो 5 दिन है इसको छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, तो इट शुड बी द वे इट इज़। और देखो पीछे कुत्ते ने भौंके भी, क्या कि नहीं 5 दिन ठीक ने, 4 दिन नहीं करने। हाँ ये ठीक है भाई, ये ठीक है। हाँ और दूसरा भाई, लोग कह रहे थे नवीन, हाँ ये ठीक है। सैनी पे बात करें जी, सैनी ने कल बड़ी अच्छी तेज़ गेंदें करवाई हैं, तो अच्छी बात है। एक बंदे को मैंने कुछ लिख दिया कि टॉल गए हैं, थोड़े स्किनी हैं, लेकिन उसके बाद जो, और देखो जी बिल्लियाँ दी लड़ाई हो गई है, तो अच्छी बात है गेंद तेज़ करवा रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मज़ीद ज़रा मसल ग्रो करेंगे तो शायद थोड़ा सा और भी तेज़ करवाएं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है लाइन एंड लेंथ। जो उन्होंने कल यॉर्कर मारा और उससे पहले भी जो T20 में उन्होंने आई गेस वेस्ट इंडीज़ के किस खिलाड़ी को यॉर्कर मारा था, जेन से निकल गया, तो बड़ा एक्सीलेंट एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी मस्त है। अब पाकिस्तान के मोहम्मद शमी थे, ठीक है भाई, गेंद उनकी वो भी 150 से ऊपर ही करवाते थे और रेगुलर ही करवाते थे, लेकिन बंदे दी लाइन एंड लेंथ ही नहीं सी, मतलब कोई 10 मैचों में 1-2 में अच्छा परफॉर्म करते थे, जी तो लाइन एंड लेंथ ही नहीं ठीक होनी थी, फिर तो फेंटा पहना ही है। अब लाइन और लेंथ अगर इनकी अच्छी हो, उस पर इनका कंट्रोल हो, तो वो उसमें 150 भी कोई बड़ी स्पीड नहीं है, 150 ठीक ठाक स्पीड होती है। और मेरे ख्याल में इसी तरह अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल रखें अपना, और थोड़ा सा मजीद जो स्किल्स हैं वो भी सीखे जा सकते हैं। अब हमने देखा है कि बॉलर जो हैं, इवन के फास्ट बॉलर्स, सुप्रीम फास्ट बॉलर्स, वो भी वेरिएशंस करते हैं, थोड़ा उस पर काम करें। और अगर T20 में मजीद कामयाबी चाहिए तो जैसे बैट्समैन ने नए नए शॉट्स इन्वेंट किए हैं, स्वीप शॉप, दिल स्कूप और धोनी के हेलीकॉप्टर वगैरह ये सारे, तो बॉलर्स जो हैं वो भी इनोवेशंस लेके आए हैं, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो स्लो यॉर्कर्स उन्होंने करवाना सीखा है, तो ये काफ़ी स्किल्स है, इस पर मज़ीद स्पीड तो तेज़ है ही उनकी। अब उनको चाहिए कि ज़रा ये जो बाकी सारे स्किल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपने बैग में वो सारे स्किल्स भी एक एक करके डालते जाएँ, तो अच्छे मतलब देखने में लगे। बाकी जो फास्ट बॉलर्स इंडिया के वो भी अच्छे आ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज़ है। अच्छा भाई, बाय द वे वो जो पीछे आपको ग्रिल नज़र आ रही है, पहले वाइट होती थी, आई डोंट नो कि अगर आपने नोट नहीं किया तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। हाँ बल्कि एक बंदे ने पिछले दफा कमेंट भी किया था, तो ये अच्छी बात है जी, फास्ट बॉलर्स अच्छे आ रहे हैं इंडिया के। अब लेट्स सी, मैं तो देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुकाबला होगा उसका मुझे इंतज़ार है, 3 मैचों की ODI सीरीज़ है। और इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने ऑस्ट्रेलिया टूअर्ड इंडिया ODI सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया जीत के गया था, और अब देखो कि कैसा मुकाबला होता है। ऑब्वियसली फेवरेट तो इंडिया ही है, बट यू नेवर नो, ऑस्ट्रेलिया जो है काफ़ी फॉर्म में है, 45 आई वुड से टू ऑस्ट्रेलिया, 55 टू इंडिया। अब देखते हैं जी उसमें कैसा जो सीन बनता है और कैसा होता है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल तो जीते हुए आ रहा है, बाकी टेस्ट मैचेस जो है उसमें तो काफ़ी रगड़ा लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने, जो भी आजकल उनके खिलाफ खेल रहा है। अब वो भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जब सीरीज़ होगी तो तभी मज़ा आएगा, टक्कर की जो टीमें खेलेंगी तो फिर उस सीरीज़ में भी मज़ा आएगा। बाकी इंग्लैंड और उसकी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ आपके सामने ही है, 1-1 से बराबर हो गई है, तो अच्छा है, ज़रा थोड़ा मुकाबला बना रहेगा। 4 मैचों की सीरीज़ है, 2 हो गए हैं 2 रहते हैं, पहला मैच साउथ अफ्रीका ने, दूसरा इंग्लैंड ने, लेकिन अच्छा था इंग्लैंड के हो गए भाई, हो गई चाबी मिल गई बंदे ने, वो देखो जी लेके जाओ, मिल गई भाई मिल गई। कुछ अभी मिल गई है, कुछ हो गया, मैंने आपको बताया पूरा 1 घंटा हम खपते रहे, वो खपते रहे, मैं तो वैसे 5-10 मिनट ही मैं मतलब जितनी हेल्प कर सकता था, जितना मशवरे दे सकता था। मैंने कहा भाई इनू साइडा जो टेप ला के ना, मैंने यूट्यूब में देखा था चाइनीज़ बड़े जुगाड़ी ने साइडों पे टेप लगा के ऐसे शीशे को ऐसे नीचे खींचो, मतलब सारी टेपे लगा के फिर आहिस्ता से नीचे आ जाएगा, बस वो कहते थे नहीं वो नहीं है नहीं, तो मैं क्या ठीक है फिर करो भाई, थोड़ी गड्डी है जिमें थोड़ा दिल वैसे करो, तो मुझे क्या जरूरत है टेंशन लेने की। हाँ भाई, तो हाँ फास्ट बॉलर्स की बात भी होगी, और 1-2 बातें थी, बहरहाल जेन से निकल गई हैं। आप बताइए, सैनी के अलावा जो है 150 से ऊपर वो T20 के वर्ल्ड कप में था एक बॉलर,
मावी ऐसा कुछ नाम था ना, मैं अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी काफ़ी अच्छी स्पीड से करवा रहा था। तो और कौन से इमर्जिंग फास्ट बॉलर्स हैं जो कि आईपीएल में भी हिस्सा लेंगे, उसमें जो सिलेक्ट हुए हैं, तो हु आर द बॉलर्स कि जिनको आप कहते हैं ना कि इनको हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि इंडिया की टीम में, वो बताइएगा। फिर आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में गपशप मारेंगे। कमेंट शमेंट किया करें, सुजेस्ट किया करें जी किस टॉपिक पे किस तरह की वीडियो बनाएं। क्रिकेट पे तो हम बात करती रहते हैं, क्रिकेट के अंदर कुछ अगर कोई स्पेसिफिक कोई टॉपिक है, कोई बात है, तो आई ऑलवेज वेलकम योर सुजेशन। तो फिर ठीक है, नारा मारिए। सूरज भी गुरूब हो रहा है भाई, ये देखें जी, ये सराउंडिंग मैंने आपको दिखा दी एक दफ़ा। फिर जाते जाते एक कभी वीडियो बनाता हूँ उस तरफ खड़े होके, छत के उस तरफ, वो अच्छा बैकग्राउंड है। और कभी शाम को बनाऊँ तो फिर इस एंगल से, क्योंकि धूप इस तरफ से होती है। ठीक है भाई साहब, फिर आपसे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में गप मारेंगे। अंटिल देन, बाय बाय।